काम कठिन होता है आरंभ में, लेकिन लोग उसको जो चाहते हैं, अगर आप में उस काम को करने की इच्छा शक्ति है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी वो कम बोलती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है, तो वो जितना बोलना चाहिए उतना वो बोल रही थी और सबके सब लोग उनको शुभकामना दे रहे थे, बधाई दे रहे थे। नमस्कार, देशटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज मंत्री पद के शपथ ले चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी है, उनसे जानते हैं, कार्यक्रम से बाहर निकली है। मैडम, सबसे पहले तो सीएम का ये मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है कि दूसरी बार उपचुनाव में मंत्री बनाना, क्यों सरकार डरी हुई है इस वजह से ये फैसला? नहीं, ये जनता की मांग के अनुरूप हुआ है, क्योंकि माननीय जगन्नाथ महतो जी अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया। वो टाइगर भी कहे जाते थे क्योंकि वो निडर होकर जनता के हक में कूद पड़ते थे अपनी परवाह किए बगैर। और चूंकि बेबी देवी जी उनके साथ इतने वर्षों तक रही, और पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा होता है कि जनता घर में ज़्यादा आती है मिलने के लिए, तो वो जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे तरह से जानती हैं। बल्कि उन्होंने भी अपने पति का हाथ बटाया होगा और उनके घर के उनके जो बेटे हैं वो भी लगातार क्षेत्र में रहकर काम करते रहे हैं। जब माननीय जगन्नाथ जी बीमार थे तो उनके काम को यही लोग संभालते थे। अनुभव उनका पूरा है और एक महिला हमेशा होम मेकर होती है और वो बहुत अच्छी होम मेकर है, बड़ा और संयुक्त परिवार में रहती हैं तो मैनेजमेंट में भी वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होंगी। क्या लगता है फिर भी कितना बड़ा कठिन सफर रहेगा? देखिए, हर काम कठिन होता है आरंभ में, लेकिन लोग उसको जो चाहते हैं, अगर आप में उस काम को करने की इच्छा शक्ति है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी लोग तो है अधिकारी हैं, अधिकारी उन चीज़ों को बताएंगे, वो कोई गलती नहीं करने देंगे। सरकारी तंत्र तो पूरा रहता है ना सहयोग करने के लिए। ठीक है मैडम, एक बात बताइए, राज्य में कई उपचुनाव हुए, रामगढ़ में जब उपचुनाव हो रहा था उस वक्त जब बजरंग महतो उतरे तो उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है जिसमें कांग्रेस और राजद भी शामिल है, तो फिर जब बजरंग महतो उतरते हैं चुनाव में तो उन्हें क्यों नहीं मंत्री बनाया? बता रही हूँ, देखिए यहाँ JMM ने दो जगह से पहले ही उनको मंत्री बनाया था। चूँकि माननीय हफीजुल हसन खुद मंत्री थे इसलिए उनके बेटे को बनाया गया कि उस क्षेत्र की जनता उनको उस रूप में देखी थी, उनके बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी जो अधूरी थी, उसे पूरा करना सरकार की प्रायोरिटी थी इसलिए उनको बनाया गया था। उसी तरह से माननीय जगन्नाथ महतो जी भी उनकी जब उनका वो नहीं रहे उस समय भी वो मंत्री थे, तो मंत्री का दायरा बड़ा होता है, मंत्री द्वारा जो कार्य वहाँ किए जा रहे थे वो अधूरे रह गए थे, इस वजह से उन्होंने इनको मौका दिया, मंत्री बनाया। लेकिन वहाँ से रामगढ़ से कोई मंत्री उस समय नहीं था, उस विधायक थी शायद, इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस पर कभी कोई डिस्कशन तो नहीं किया। नहीं, ये तो पार्टी की तरफ से, अगर उस तरह का उनकी पार्टी की तरफ से मांग होती तो हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के कोटे से तो ऑलरेडी सभी मंत्री थे ना, कोटा होता है ना कि JMM का कोटा, तो JMM ने अपने कोटे से बनाया, ये माननीय जगन्नाथ जी भी उनके कोटे से थे और माननीय हफीजुल भाई जो उनके फादर भी JMM के कोटे से थे, तो अपने कोटे से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के कोटे से अगर कोई मंत्री पद से इस्तीफा देता तभी ना वहाँ पर किसी को मंत्री बनाया जा सकता था, तो वैसी तो नौबत नहीं आई। क्योंकि बेबी देवी जब राजभवन पहुंची तो वो मीडिया से बात नहीं की, सीधे अंदर चली गई, आप क्योंकि उन्हें बधाई देकर बाहर निकली हैं तो आपसे क्या कुछ बातें हुई कि वही हम आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रही थी, हालांकि जब माननीय जगन्नाथ जी नहीं थे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग उनके साथ काफ़ी देर बैठे थे, तो वो वहाँ उस समय भी बहुत कम बोल रही थी, वो कम बोलती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है, तो वो जितना बोलना चाहिए उतना वो बोल रही थी और सब लोग उनको शुभकामना दे रहे थे, बधाई दे रहे थे, तो एक तरफ से वो खुश भी थी और दूसरी तरफ से जिम्मेदारी का एहसास था। और फिर अपने पति के जगह की जगह पे वो आई थी, इसको लेकर उनके मन में कुछ दुख भी था कि वो नहीं रहे, तो बहुत मिला जुला रिएक्शन था उनका, लेकिन वो स्वाभाविक दिख रही थी। हाँ। तो बेबी देवी के मंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकली राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि बेबी देवी का मिला जुला असर देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दुख था उन पति के जाने का, लेकिन दूसरी तरफ खुशी थी कि पति के सपने को वो पूरा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के लिए देखते रहें देशटी न्यूज़।